तो दोस्तों आज एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हम पेश हुए हैं। ये जो जगह है ये खूबसूरत स्थल है पोरकोकती मुक्तांगन, नए रायपुर, आधुनिक नए रायपुर से थोड़ा सा परे, बट नए रायपुर से आगे आप आएंगे हार्डली 10 से 15 किलोमीटर तो आपको ये स्थल मिलेगा। बस्तरिया छत्तीसगढ़ी बस्तरिया संस्कृति को बहुत खूबसूरती यहाँ से यहाँ पर तलाशा गया है। हम ये अंदर आ गए एंट्रेंस गेट से। 30 रुपये पर व्यक्ति टिकट है और छोटे बच्चों का 10 रुपये कम ही लगता है टिकट। यहाँ अंदर आओगे तो बस्तरिया दीवारों को जैसे पर वहाँ ग्रामीणों और आदिवासी संस्कृति को जैसे दीवारों में झलक देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आप एक खूबसूरत से पिलर्स आपको नक्काशी की गई हुई दिखेंगे। यहाँ पर हमने कुछ अच्छे सजीव फोटोग्राफी किए। यहाँ पर से अगर आप आएंगे तो कम से कम 12 या 10 के जोड़े में दोनों तरफ पिलर्स आपको दिखेंगे। और ये खूबसूरत आदिवासियों के द्वारा बनाए हुए जो मुखटे जो पारंपरिक नृत्यों में पोशाकों के साथ पहने जाते हैं, चाहे वो बांस के ऊपर बनाए हुए मुखटे हो या मिट्टी के, ये सब भी देखने को मिलेगा। ये होटल जो उनकी आदिवासी संस्कृति का एक उनका अपना रहन सहन है, ये जो पारंपरिक घर है इनकी दीवारों को देख सकते हो आप, इनके छज्जों को और इन पर लीपा पोती जो मिट्टी से की गई रहती है, गोबर से की गई रहती है, और इन सब पे बांस का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया जाता है। कैसे उनको उनसे आधुनिकीकरण देखने को मिलेगा। ये दीवारों में पारंपरिक नृत्य शैली ये सब भी आप इनके दैनिक जीवन के इसमें देखोगे। जो वहाँ पर आदिवासी संस्कृति द्वारा जो नृत्य शैली में इस्तेमाल किए गए डमरू ढोल ये सब का भी इस्तेमाल यहाँ मूर्ति जो में आप देख सकते हो सजीव रूप से। थोड़ा सा आगे अगर आप बढ़ोगे, हालांकि यहाँ बीच में हमने थोड़ा फोटोग्राफी और किए और धूप एकदम चिलचिला रही थी, एकदम सर पे बैठा हुआ था, बट हमने उसकी परवाह नहीं की। 10 से 14 एकड़ के बीच फैला हुआ ये पूरा जगह है जहाँ पर आप ये खूबसूरत से आपको नज़ारे मिलेंगे। हम थोड़े लोगों से दूर दूर रहे, कोरोना का समय चल रहा है, हमने दूसरे और जगहों से रास्ता बनाया जहाँ पर हम जाके हमने एक एक स्थलों का निरीक्षण किया। पारंपरिक घरों को वहाँ पर आप कई प्रकार के और देख सकते हो, जो थोड़े से और निचले आदिवासी रहन सहन है उनको आप देख सकते हो। उनकी चार दीवारी जो है, जो घरों को जिनसे घेरा गया है, वहाँ पर आप बांस के टहनियों और दूसरे पेड़ों के टहनियों का इस्तेमाल देख सकते हो, खजूर के पेड़ और ये सब खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। इन सबको भी आदिवासी और जो ग्रामीण इलाके हैं बस्तर के, वहाँ पर भी आप देख सकते हो सजीव। यहाँ पर पानी का ये टैंक बनाया गया है जहाँ से मोटर के माध्यम से पानी सप्लाई होती है लॉन को खूबसूरती प्रदान करने के लिए। ये कुछ और हम घोटूल के पारंपरिक घरों को देख सकते हैं, पेड़ों के टहनियों से जो चार दीवारी बनाई गई है, दीवारों पे बहुत खूबसूरती से रंगों को उकेरा गया है, सजीव चित्र बनाए गए हैं। कुछ देर छायादार जगह देख के हमने यहाँ और फोटोग्राफी आदि की, और इस बीच लोगों के बीच हम थोड़ा सा पता नहीं क्यों अट्रैक्शन का कारण बन गए, क्योंकि हमने कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ भी फोटोग्राफी करना यहाँ शुरू कर दिया था। ये आप सिरपुर और नारायणपुर में नारायणपाल मंदिर का भी आप यहाँ पर स्मारक देख सकते हो। मंदिरों को यहाँ सजीव तरीके से उकेरा गया है, बनाया गया है। ये कुछ पिलर्स हैं जो हमें बस्तर के कुछ पारंपरिक सिद्धांतों के कुछ खास चीज़ों के बारे में बताते हैं। बहुत ज़्यादा तो मुझे भी नॉलेज नहीं है। वहाँ पर जब आदिवासी लोग जंगलों में शिकार करते रहे हैं या करते हैं, तो इस तरह के घोड़ों में बैठ के ही करते हैं जरूरत पड़े तो। ये सिरपुर के मंदिर है और नारायण पाल के मंदिर हैं, जिनके बारे में अगर आप जाओगे बस्तर में कभी भविष्य में तो आपको पता चलेगा। पोलंग मट्टा जनजाति देवी देवताओं का वो स्थल है जहाँ पर वो पत्थरों के देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको अपने आराध्य देव की तरह मानते हैं। ये ऊपर में चढ़ाई करके आप आओगे तो आपको और कई खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। नेचुरल वाटरफॉल जैसा दर्शाया गया है यहाँ पर फाउंटेन के माध्यम से। खूबसूरत टेरेस हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ से आप अच्छा व्यूज ले सकते हो। और वहाँ पर हमने एक बारसूर का मंदिर देखा पीछे चित्र में, ये बस्तर का चित्रण करता हुआ और काफ़ी सारा खूबसूरती प्रदान करता हुआ। ये झोपड़ी नुमा कई सारे इनके आदिवासियों के रहन सहन के स्थलों को दर्शाया गया है।
यहाँ पर भी हमने कई सजीव चित्र लिए। भानुप्रतिमा नृत्य में एक पुरुष और वहाँ की स्त्री का एक मूर्ति बनाया गया, जहाँ पर आप अपना जो है छायाचित्र ले सकते हो। हमने भी कुछ यहाँ पर लिए। आदिवासियों द्वारा वहाँ पारंपरिक नृत्यों में इस्तेमाल होने वाले ढोल वगैरह के साथ भी आप यहाँ छायाचित्र ले सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो एक पारंपरिक गेट बनाया गया है, यहाँ पर सीढ़ी नुमा कुछ बैठने के स्थल है, यहाँ भी आप चित्रों को देख सकते हो, दीवारों में उकेरा गया है, फोटोग्राफी कर सकते हैं। फिर वहाँ से हम निकल आए वापस उस लंबे वाले चौकोर रास्ते के बीचों बीच, जहाँ पर हमने कोई खूबसूरत फाउंटेन नज़र आया। शाम के बाद शायद यहाँ पर ये इनको चालू हालत में रखा जाता है। हम जब गए थे तो यहाँ पर हमने ये दिन में तो नहीं देखा चालू हालत में। खैर, पानी को संजो के रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक नैसर्गिक एक प्राकृतिक खूबसूरत वाटरफॉल को दर्शाया गया है, जो कि बस्तर के जंगल झाड़ियों में बहुत ऐसे देखने को मिलता है। नैसर्गिक और ऐसे खूबसूरती से परे हम जब लॉन की तरफ दूसरे कोने में आए तो एक खूबसूरत सा टीला दिखा। टीले में थोड़ा सा शेड वगैरह दिया गया था। यहाँ तक जाने से पहले हमने थोड़ी बहुत और फोटोग्राफी की। फिर हम वहाँ पर चूँकि काफ़ी लोग बैठ के फोटोग्राफी कर रहे थे तो उनके जाने का इंतज़ार कर रहे थे। पारंपरिक नृत्य शैली में ये पुरुषों द्वारा त्रिकोणीय एक श्रृंखला बनाकर भी नाच किया जाता है। इसका भी यहाँ खूबसूरती से दर्शन कर सकते हो। छायाचित्र लेते हुए हम निरंतर ये टीले के ऊपर आए। यहाँ पर बैठ के भी हमने कुछ थोड़ी बहुत फोटोग्राफी की। थोड़ा सा समय को यहाँ पर हमने रुका हुआ महसूस किया, थोड़ा सा यहाँ आराम किया। फोटोग्राफी हमारी साथ ही साथ चल रही थी। यहाँ से हमने और आसपास कई पेड़ों का कई पौधों का अवलोकन किया। पारंपरिक नृत्य में देखिए आप ये इस तरह से भी पुरुष जो है आदिवासी पुरुष किस तरह नाचते हैं। खजूर के पेड़ के अलावा यहाँ कुछ और अलग प्रकार के किस्म के हमें पेड़ दिखे, जो शायद ही आपको बस्तर के अलावा कहीं और देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़े से छायादार जगह में रुक के हमने आसपास के वातावरण को खूब महसूस किया, खूब यहाँ पर एंजॉय किया। ये वो स्थल है पुरपक्ति मुक्तांगन का, जहाँ पर आप ये शिलान्यास जो पत्थर शिला में किया गया उसका स्मारक बना हुआ दिखाया गया है। एक छोटा सा रेस्टोरेंट कम गेस्ट हाउस जैसा है जो कि बंद था उस समय। यहाँ पर भी हमने थोड़ा सा सांस ली और थोड़ी फोटोग्राफी की, क्योंकि हमें थोड़ा सा कुछ मील चल के और धूप से आगे जाना था। तो ये खुले स्थान पर आके हमने थोड़ी बहुत और फोटोग्राफी की। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि बस्तर के बने हुए मिट्टी के या बांस के मुखौटे होते हैं, तो मिट्टी के बने हुए मुखौटे बड़े रूप में यहाँ पर दर्शाए गए हैं। यहाँ पर भी हमने आसपास में कुछ फोटोग्राफी की। कुछ कलात्मक नज़रिया अगर आप रखते हो तो आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगेंगी फ़ोटो लेते हुए। ये पारंपरिक नृत्य शैली में जो है काफ़ी नाच किए जा रहे हैं, उसका भी हमने मूर्ति का फोटोग्राफी लिया। यहाँ दो टावर है, इनके बीच में आके हमने फोटोग्राफी की। और ये लगभग समाप्ति पे हैं। हम यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हमने कुछ दीवारों में उकेरे हुए और खूबसूरत नज़ारों को देखा, उनका लुत्फ लिया। जहाँ पर महिलाएं नाच रही हैं उनके आसपास में हमारी बेटी ने फोटोग्राफी लिया। कुछ उनके छाया चित्र हैं जो यहाँ पर भी खड़े होकर हमने कुछ अच्छे अच्छे पोज में फोटोग्राफी की। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देखिए और खूबसूरत चित्रकारी के नमूने आपको यहाँ पर दीवारों में दर्शाए गए हैं, देखने को मिलेगा। फिर वापस हम उसी पिलर के पास आ गए जहाँ पर हमें खूबसूरत नक्काशी की गई थी। यहाँ पर ये वो वाला शेड का फोटो जहाँ पर हमने पहले टीले में चढ़ के लिया था। ये हम फाउंटेन के पास आ गए, मेन गेट के पास। यहाँ खड़े होकर बाएं हाथ में आप देखोगे तो आपको एक अच्छा पारंपरिक खान पान छत्तीसगढ़ी जो है यहाँ का आपको प्रदान करने वाला एक रेस्टोरेंट मिलेगा, और जंक फूड और फास्ट फूड्स वगैरह भी मिलेंगे। गेट्स बाहर आके हमने आइसक्रीम का आनंद लिया। घर लौटते वक्त हम मैग्नेटो मॉल होते हुए दोपहर का लंच करते हुए कुछ फोटोग्राफीज करते हुए हम यहाँ पर बैठे हैं टेबल में। और आशा करते हैं ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा। तो इसी तरह का खूबसूरत ब्लॉग हम दोबारा फिर लेके आएंगे, बस्तर संस्कृति से आपको फिर परिचित करवाएंगे। बने रहिए।